तो यार आज निकला है लॉस सैंटोस की वादियों में एक और सुहाना दिन, पर लेकिन आज का ये जो सुहाना दिन है भाई, ये ना पहले के दिनों से थोड़ा सा अलग है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यार आज अपने साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि भाई मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था यहाँ पर कि हमें ऐसा कोई इन्विटेशन आएगा। एंड अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि भाई यहाँ पर ये मेरे पास, मैं किस चीज़ की इन्विटेशन की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल में भाई यहाँ पर हुआ क्या है ना, हमें आज ना सुबह सुबह एक अननोन नंबर से कॉल आया था। एंड यहाँ पर वो अननोन नंबर और किसी का नहीं बल्कि यहाँ पर मिलिट्री ऑफिस के, यानी मिलिट्री बेस के जनरल ऑफिसर का नंबर था वो। एंड उन्होंने मुझे भाई कॉल पे बस इतना ही बोला कि भाई तू हमें यहाँ पर बस आधे घंटे के अंदर अंदर चाहिए, तो मतलब चाहिए, और अगर मैं अगर ऐसा नहीं किया यानी कि उनकी बात नहीं मानी तो भाई वो घर पर टैंक भेज देंगे। कहते हैं भाई साथ में गोलियाँ वोलियाँ सब आ रही हैं, वो बस रेडी हो जा, यहाँ तो खुद आ जाए, यहाँ तो हम ही ले आएंगे तेरे को। तो यार अब क्या ही करे, बस जाना तो पड़ ही रहा है मेरे को। और उन्होंने ये भी बोला कि मेरे को कोई भी वेपन अपने साथ नहीं लेके आना, तो अपने बचे कुचे वेपन ना यहाँ छोड़ जाते हैं। एंड भाई ये बात अलग है कि भाई उन्होंने ना मेरे को इस चीज़ की श्योरिटी दी कि यहाँ पर वो हमें किसी भी चीज़ के लिए अरेस्ट करने के लिए नहीं बुला रहे, क्योंकि भाई उनको भी पता है यहाँ पर मैंने मिलिट्री बेस के अंदर कितने धमाके कर रखे हैं, कभी उनकी गाड़ियाँ चोरी करी है, कभी उनके प्लेन चोरे करे हैं, भाई बहुत कुछ किया हमने, लेकिन वो इस सब के लिए मुझे नहीं बुला रहे हैं। आज बात क्या है वो तो भाई यहाँ पर जाकर ही पता लगने वाला है। अब भाई मतलब यार उन लोगों ने तो बोल दिया कि वो हमें यहाँ पर अरेस्ट नहीं करने वाले, लेकिन अगर उन्होंने वहाँ पर एकदम से मेरे ऊपर धावा बोल दिया, सीधा सब गोलियाँ लेके खड़े हो गए मेरे आगे, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर मैंने वेपन अपने पहले छोड़ रखे हैं, गाड़ी मेरी ये वाली वैसे भी बुलेट प्रूफ नहीं है, उधर पता चले फोड़ फूट देवे, वहाँ पर वैसे टैंक आ जाते हैं 2 मिनट में। ओके भाई पहुँच तो बच चुका हूँ, चलो भाई अभी चलते हैं, लेट्स गो भाई, तोड़ के जाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई बंदा ही नहीं खड़ा कर रखा भाई, मेरी गलती नहीं है, अभी इसके लिए मेरे को पकड़ा पकड़ना ले गए बस। हेलो सर, मेरे को वो बुलाया आपके जनरल ऑफिसर ने। हाँ जाऊँ ना? हाँ ठीक है, गोली वोली मत चलाइए, पीछे से देख ले, यही गाड़ी लेके ऊपर चढ़ा दूंगा। ओके चलो यार, यहाँ पर परमिशन तो हमें मिल चुकी है, अभी देखना क्या सीन है कि भाई किस मामले में बुला रही है यार ये ऑफिसर, क्या दिक्कत है उसको हमसे। और भाई ये मिलने कहाँ वाला है, मेरे को तो ये भी नहीं पता, कहाँ पर जाकर छुप के बैठे रहते हैं भाई। इनकी तो पूरी की पूरी यहाँ पे कॉलोनी बन रखी है, मतलब जितने भी लोग यहाँ रहते हैं वो यहीं रहते हैं, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना भाई, मतलब फैमिली फूमली छोड़ के सब लोग यहाँ पर बस चुके हैं, मतलब इनको यहीं रहना। ओ ये रहा, हेलो सर ऑफिसर ऑफिसर हेलो, अरे मैं सर फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन, अभी सुन ही नहीं रहा ये, अबे ओए जनरल, अबे भाई इसको समझ नहीं आ रहा क्या, मैं हो गया फ्रैंकलिन, आ गया फ्रैंकलिन, अरे सर मैं हूँ, ये देखो मैं फ्रैंकलिन डी क्लिंटन सर, जिसने आपके यहाँ से पता नहीं कितनी बार गाड़ियाँ चुराई है। अरे हेलो सर, क्या भाई इग्नोर, भाई सीधा इग्नोर मार रहा है, वो फोन पे बात करने लग गया इसकी तो, ऐसी की तैसी। अबे क्या हो गया सर, भाई ये बंदे तो नहीं बुला रहा वो, भाई सो कोई टैंक टोंग बुला रहा हो बेटे जी जान, मेरे को यहाँ पर अरेस्ट करके रख ले यहीं पे। भाई ये तो कुछ सीरियस सा सीन लग रहा है भाई यार, ये कहीं पकड़ने ही तो नहीं वाला। हेलो सर प्लीज़ एक्सक्यूज मी सर, सर आप इग्नोर मार रहे हो सीधा मेरे को, देख लो सर अभी यहाँ से लेके भाग जाऊँगा कुछ ना कुछ फिर से। अरे अरे देख लिया देख लिया, हेलो सर कैसे हो, सर आपने मुझे बुलाया सुबह सुबह, मैं आ गया क्या? अच्छा जी भाई साहब, यार जनरल तो कह रहा है कि यहाँ पर ये हमें इसने यहाँ पे बुलाया किसी सीक्रेट मिशन के लिए। अबे भाई इन्होंने तो मेरे को यहाँ पर भाई गोलियाँ चला रखी है, मेरे ऊपर एकदम एम करके रखे, कुछ भी मैंने हरकत करी तो सीधा शूट मार देंगे। और भाई ये बंदा जो है ना यहाँ पर क्या कह रहा है कि मेरे को यहाँ पर इन्होंने बुलाया एक सीक्रेट मिशन के लिए, पता नहीं कैसा मिशन यार, लेकिन एक गोलियाँ तो हटाओ मेरे ऊपर से। अच्छा ओके भाई, ये कह रहे कि मैंने यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें चुराई है ना इनकी, इनको मेरे पे अभी भी विश्वास नहीं है कि अभी भी मैं कुछ ऐसी हरकत कर दूँ। अच्छा चलो ठीक है यार, ऐसे ही बता दो मिशन फिर क्या है। अच्छा जी, ओ भाई साहब क्या सही में, ओबे तेरी भाई यार, ये जनरल क्या बातें कर रहा है, ये पागल तो नहीं हो गया है? अबे जनरल भाई ये बीड़ी फूंक के मेरे सामने तो पागल हो मत, यहाँ पर क्या करी जा रही है पता नहीं यार, ये जनरल कैसी बातें कर रहा है भाई यहाँ पर, ये सही में थोड़ा सा हिल चुका है दिमाग से। तो फ्रैंकलिन अगर तूने मेरा ये मिशन कर दिया तो मैं तेरे को यहाँ पर देने वाला हूँ पूरे के पूरे 5 करोड़ रुपए, जो कि यहाँ पर सिर्फ तेरे और मेरे बीच बात रहेगी, और साथ ही में हम तेरे को देंगे एक स्पेशल एडिशन कार। ओ भाई साहब, भाई 5 करोड़ रुपए सिर्फ एक ऐसा मिशन करने के लिए, भाई यार ये तो भाई जनरल की बातें ठीक नहीं लग रही है मेरे को भाई, कहीं मेरे को फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा ये, कहीं मेरे को कोई और चक्कर में फंसा के भाई पता चले लाइफ टाइम के लिए जेल में डाल के बिठा दिया मेरे को।
ऐसा कुछ ना हो बस। और उसकी कोई चिंता मत कर तू, यहाँ पर तेरे ऊपर जितने भी यहाँ पर केस चल रहे हैं वो सब के सब मैं यहाँ पर खत्म करवा दूंगा, तेरे को सिर्फ ये मिशन करना है। भाई अगर ऐसा है तो फिर जनरल, फिर तो मैं डील पक्की समझ रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर डील हमारी डन होती है। और जनरल भाई बाद में मुकर मत जाइयो, ठीक है फिर? हाँ बिल्कुल भाई साहब। यार जनरल का मिशन तो मेरे को बढ़िया लग रहा है। वैसे मिशन है क्या? रुको मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ बस, बाकी मैं यहाँ से बाहर निकल लूँ पहले। ओके लेट्स गो भाई। और यहाँ पर ये इतना मिशन करने पे हमें वो दे रहा है 5 करोड़ रुपए, और साथ में एक कार भी बात कर रहा था वो स्पेशल एडिशन। हाँ भाई देख रहा है ना, देख रहा जनरल के अंडर काम करता हूँ बेटा, पीट दूंगा यहीं पर। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से जल्दी से, एंड आपको रास्ते में मैं आपको तो मिशन यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ सारा। तो यार जनरल ने हमें यहाँ पर क्या बताया ना कि यहाँ पर ना ये लोग, इनका जो है ना एक साइंटिस्ट टीम है, मतलब मिलिट्री बेस के अंडर एक साइंटिस्ट टीम भी आती है जो कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पर रिसर्च करते रहते हैं। अब ऐसे ही ना वो लोग रिसर्च कर रहे थे एक कार पे, मतलब कि वो कार थी एक स्पेशलाइज वेपन जिसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप के वेपन्स लगे हुए हैं, एंड उसके अंदर कुछ नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर है जो कि अभी तक किसी के पास डिस्क्लोज नहीं हुई है। वो टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री बेस के जनरल और उनके रिसर्चर्स के पास थी। और यहाँ पर भाई वो गाड़ी हो चुकी है चोरी, मतलब कि यहाँ पर वो गाड़ी कोई उठा के ले गया, मतलब कि हमसे भी तेज कोई निकला यहाँ पे जो कि मिलिट्री बेस से गाड़ी लेकर चला गया। एंड अब जनरल के हमारे ऊपर ऑर्डर्स क्या है कि वो बंदा चाहता है कि हम लोग ना वही वाली कार दोबारा से उन लोगों से चोरी करके लाएँ, एंड यहाँ पर जो है जनरल को वापस करके दें मिलिट्री बेस में, जिससे कि हमारा यहाँ पर मिशन ख़त्म होगा। अब यार देखो ये मिशन करने के अंदर मैंने इसलिए हाँ बोल दिया क्योंकि भाई इसके अंदर जो है ना हमारा फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। एक तो भाई वो हमें यहाँ पर 5 करोड़ रुपए दे रहा है ऐसे सिंपल मिशन के लिए, हमें यहाँ पर सिर्फ गाड़ी चुरानी है, हम और करते क्या यहाँ पे, ये हमारे बाएं हाथ का खेल होने वाला है। और साथ ही में उसने प्रॉमिस किया कि वो यहाँ पर इसके बाद हमारे ऊपर जितने भी केस अभी चल रहे हैं मिलिट्री बेस से, हमने कुछ चोरी किया हो, बाकी कोई क्राइम में हम इंक्लूडेड रहे हो, तो वो सब हमारे ऊपर से हट जाएगा और हम लोग एक प्रॉपर सिटीजन की तरह रह पाएंगे। एंड इसी के साथ बातों बातों में हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं एमुनेशन पर, जहाँ पर मैंने क्या सोचा अभी थोड़ी बहुत ना हम अपने लिए वेपन सेलेक्ट कर लेते, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई उनकी गैंग को यहाँ पर बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, बहुत ही खतरनाक लोग हैं वो सब, तो यहाँ पर एकदम फुली प्रिपेयर्ड रह के जाना पड़ेगा। सारी गन्स वन्स ले लेते क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सारी अपनी वेपन्स वगैरह खा चुके, और RPG उधर छोड़ा है मैं भाई, उठाना ही भूल गया, छोड़ो यार दोबारा ले लेते, अपने पास पैसा बहुत है। और यहाँ पर भाई ये किसका बैंक अकाउंट खुल चुका है यहाँ पर, आई डोंट नो यार, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर। स्टन गन आई थिंक ले लेनी चाहिए हमें क्योंकि पर काम आ सकती है स्टन गन के लिए, अंदर अनलिमिटेड एमोज है जैसे कि आपको पता ही है। और यहाँ पर बढ़िया चीज़ है यार, पैसा बहुत है अपने पास, सारा कुछ उड़ा डालेंगे आज। और मेरे को क्या लेना है यहाँ पे, एक शॉट गन मैं सोच रहा था लेके रखते हैं, ली के लिए भी एक रखते हैं क्योंकि एमोस कब खत्म हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए मेरी ऑप्शन हमेशा साथ रहना चाहिए। देन एक मैं शॉट गन लेने की सोच रहा हूँ, एक ये लेते हैं भाई ये, ओके यस पम्प शॉट गन लेट्स गो, दिस इज द बेस्ट। एक ले ली मैंने असॉल्ट राइफल, एंड भाई सब क्या ही खतरनाक प्रिंट आ रहा है इसके ऊपर। और मेरे को यहाँ पर चाहिए RPG, एक स्नाइपर भी लेके रखते हैं इन केस दूर से उड़ाने पड़े बंदे, लेट्स गो, इसका भी प्रिंट बढ़िया वाला। एंड मेरे को यहाँ पे चाहिए RPG, ओके RPG कहाँ है? अबे RPG नहीं है इसके पास, हेलो RPG कहाँ चली गई भाई, कहाँ पर है ये रही ना दरवाजे के ऊपर लगी तो है। चलो भाई सारा वेपनरी का काम हो चुका है यहाँ पर, मुनेशन का काम हो गया, सब बढ़िया बढ़िया वेपन्स मैंने सेलेक्ट करके रख लिए हैं अपने पास। और अभी हम लोग जाने वाले एक और इम्पोर्टेंट जगह पर जहाँ पर हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना है। तो अभी एक्चुअल में हम क्या करने वाले ना, मैं अभी जाने वाला हूँ अपनी इस कार के ऊपर सीधा भाई यहाँ पर बेनी वर्कशॉप्स पे, एंड वहाँ जाकर भाई मेरे को ये कार कन्वर्ट करानी है बुलेट प्रूफ में, क्योंकि भाई यहाँ पर बुलेट प्रूफ कार तो ज़रूरी है, हम एक पूरे गैंग के अंदर जा रहे हैं जहाँ पर सारे लोगों के पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सी गन्स हैं ये हमें पता भी नहीं है, हो सकता है उनके पास रॉकेट लॉन्चर, तो एक रॉकेट लॉन्चर और मेरा तो काम तमाम हो जाएगा वहीं पर, इसलिए भाई ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसीलिए सीधा चलते हैं बेनी की दुकान पे और उसको बोलते हैं बढ़िया सी अपनी बुलेट प्रूफ कर दे कार, है ये एकदम ही फुल डैमेज प्रूफ होनी चाहिए, मतलब एक सेकंड डैमेज प्रूफ, यस हाँ डैमेज प्रूफ बिल्कुल। भाई साहब यार ये वाटरफॉल देखो भाई, मैं यहाँ से निकल रहा था कितना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, ये देखना जरा, ओ तेरी भाई क्या वाटरफॉल है यार, अभी ये जगह मैंने पहले कैसे नहीं देखी। एंड वेट यहाँ पर तो सर्फिंग बोटिंग भी है,
बॉय यार मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर आएंगे भाई किसी दिन छुट्टियों पे आएंगे मस्त एकदम मजे करेंगे। आप बताना यार आके आप देखना चाहते हो कि माइकल ट्रेवर के साथ मस्त हम वाटरफॉल में आ रखे हैं मजे कर रहे हैं। वो वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट्स के अंदर अभी से लिख दो। और मैं अभी तो चलता हूँ बहनी की वर्कशॉप पे, ज़्यादा लेट नहीं हो सकते क्योंकि हमें आज के आज ये काम करके देना है सारा। चलो 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 भाई लेट्स गो। लॉस सैंटोस वर्कशॉप्स पे आ चुके हैं। वो रहा बैनी भाई मेरे को यहीं से दिख चुका है। और भाई बैनी क्या हालचाल? अबे क्या कर रहा है? अबे यहीं पे भाई शुरू हो चुका है। अबे जिम नहीं जाना क्या? यहीं पे लगा हुआ है क्या? ही कर रहा है भाई ये देख रहा ले भाई बॉडी वॉडी तो तेरी बन नहीं रही है, यहाँ पर लगा हुआ फुल जिम करने। हाँ भाई बैनी क्या हाल चाल है तेरे? और भाई मेरी बात सुन बैनी यार, ये फालतू के काम अभी छोड़ सारे। और मेरे पास ना एक तेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, मतलब तेरे लिए तो नॉर्मल काम ही है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड भाई मैं चाहता हूँ कि तू इस कार को ना एकदम से बुलेट प्रूफ बना दे, बुलेट प्रूफ, डैमेज प्रूफ, फायर प्रूफ सब हो। मतलब कि इस कार के ऊपर एक खरोच तक ना आए, इसको चाहे कुछ भी कर लो, ऐसी कार मेरे को चाहिए। क्योंकि यहाँ पर भाई मैं ना एक सीक्रेट मिशन पे जा रहा हूँ जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीक्रेट है कि मैं तेरे को बता ही सकता हूँ। चल तो एक्चुअल में ना भाई मेरे को यहाँ पर मिलिट्री बेस के जनरल ने ऑफर दिया है ये, जिसके लिए मेरे को यहाँ पर ना एक बहुत ही ख़तरनाक गैंग से लड़ाई करके आनी है अभी। एंड वहाँ पर यहाँ पर हो सकता है मेरी गाड़ी उड़ जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ ये पहले से बुलेट प्रूफ हो तो ज़्यादा बढ़िया है। मतलब कि कुछ भी खरोच ना यार, सबसे बेस्ट कार है मेरी, समझ रहे ना बैनी? हाँ बिल्कुल। अच्छा 2 घंटे में आऊँ? ओके अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी यहाँ पे बज रहे 9:07। अच्छा चल ठीक है, तेरे पास बैनी में आता हूँ फिर 11 बजे आता हूँ, ठीक है? तब तक रेडी रखियो इस कार को। चलो यार अभी तो फिलहाल चलते हैं। 2 बजे नहीं, कितने बजे? 11 बजे यहाँ पे वापस आना है। तब तक बैनी यहाँ पर अपनी बुलेट प्रूफ कार रेडी रखेगा, अमूनिशन का काम हो चुका है और यहाँ पर और कुछ तो ज़्यादा बचा नहीं है यार। हम लोग बहुत ख़तरनाक है भाई, ऐसे ही देखना गाड़ी लेकर आ जाएंगे। 2 घंटे हो चुके हैं, मैं यहाँ पर पास की कैफे शॉप में बैठा था तब तक। और अभी ये देखो 11 बज चुके ऑलरेडी। एंड वो रहा बैनी। बैनी क्या हाल चाल? ओए बैनी मेरी गाड़ी बना दी क्या? कहाँ पर है गाड़ी मेरी? ओए मेरी गाड़ी गायब कर दी इसने तो। ओए मेरी गाड़ी गायब है नहीं, किधर? लेफ्ट में। कहाँ पर है? अबे लेफ्ट में तो ये, अच्छा उधर। वो भाई साहब ये मेरी गाड़ी, ओ तेरी भाई, इसने तो पेंट ही चेंज कर दिया इसका भाई साहब, क्या ही खतरनाक लग रही है यार अब तो ये। भाई कहना तो पड़ेगा यार, ये तो पहले से भी ज़्यादा औसम लग रही है लुक्स में भाई, लिटरली भाई मैंने पहले ऐसी ये नहीं सोची ब्लैक कलर में लेने की। बैनी ने ना भाई यहाँ पर इसको पूरा का पूरा कार्बन फाइबर के अंदर पेंट किया है, और यहाँ पर कार्बन फाइबर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, जिससे कि यहाँ पर अपनी कार के ऊपर कोई भी डैमेज इतनी आसानी से आने नहीं वाला। चलो भाई इसकी टेस्टिंग भी एक बार कर ली जाए। ओके यार टेस्टिंग किससे करें? लेट्स सी यहाँ पर मेरे पास कौन सी ऐसी गन है। स्नाइपर से चलाते हैं भाई ये स्नाइपर, क्योंकि दूर से तो ज़्यादातर आई थिंक स्नाइपर ही चलने वाली है, इसके ऊपर वही ट्राई करेंगे। पहले दरवाज़ा बंद करो और अभी देखते हैं। ये देखो ये लेट्स गो, ये शीशा, ये व्हाट? अभी ये क्या हो गया भाई? शीशा ही टूट गया। अबे बैनी ये क्या नकली माल लगा दिया, शीशा तोड़ दिया? अबे बैनी यार तेरे को मैं तोड़ दूँ क्या यार? क्या कर दिया बैनी ये देख रही हो? 2 घंटे भी वेस्ट करे और ऊपर से तूने ये करा है भाई, शीशा टूट रहा है। मैंने तो बोला था तेरे को सबसे बेस्ट क्वालिटी शीशा चाहिए, बुलेट प्रूफ। अबे यार बैनी क्या लल्लू वाले काम कर दिया तूने भाई, क्या कह रहा है? अभी कर देता हूँ। ओके भाई बैनी ने शायद इसके ऊपर नए शीशे लगा दिए। एंड 1 2 3 भाई साहब ये बैनी भाई ऐसे पिटने वाले काम क्यों कर रहा है भाई? यार ये क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है क्या बैनी तू? अबे सही में बैनी मजाक नहीं कर रहा मैं, मेरे पास बहुत मिशन है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था और तू हरकतें कर रहा है। ओके अच्छा गाड़ी तो डैमेज प्रूफ है वैसे, लेकिन ये शीशे क्या कर रहा है यार? ये शीशे तोड़ने वाले लगा दिए इसने। अरे यार अब मैं क्या करूँ भाई, एक तो शीशे ही नहीं लगा रहा ढंग के। देख भाई बैनी यहाँ तो शीशे ठीक कर दे, नहीं तो तेरी मैं खोपड़ी उड़ा दूँ कभी के अभी यहाँ पर। क्या कह रहा है? सरप्राइज? कौन सा सरप्राइज? गाड़ी में बैठ के देखूँ? अच्छा जी रुक जाओ देख लेते भाई क्या ही कह रहा है ये। वो अबे ये क्या था? वेट अ सेकंड भाई साहब बैनी ने ये क्या लगा दिया? क्या कह रहे है? ऑटो रिपेयर विंडोज। अबे भाई साहब कुछ खतरनाक सी चीज लगा दी। ये देखो भाई यहाँ पर ये विंडो टूटी है ना, अभी जैसे ही मैं इस पर बैठूंगा ये रिपेयर हो गई भाई साहब। यार ये करना बैनी वाली काम, ये हो रही बात बैनी। आ गया भाई मज़ा आ गया बिल्कुल भाई साहब, क्या नई टेक्नोलॉजी है। चल फिर बैनी इसके पैसे तेरे को देता हूँ थोड़ी देर में, और बाकी मैं अब चलता हूँ भाई, बहुत लेट हो चुके हैं हम ऑलरेडी। तो अभी बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं भाई उसी लोकेशन पर जो कि मेरे को जनरल ने यहाँ पर भेज रखी है। एंड वो बता रहा है उनकी गैंग का नाम है शायद से डिग्निटी गैंग, ऐसे ही कुछ है भाई।
और उनका विलेज का नाम है डिग्नेटी विलेज। भाई पता नहीं क्या ही नाम रखते हैं। छोड़ो भाई, हमें क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, हमें तो यहाँ से गाड़ी लेकर आनी है बस, और उसके बाद हम यहाँ पर मस्त आराम से ज़िंदगी जिएंगे अपनी। एंड हियर वी गो भाई, ये रहा डिग्निटी विलेज। तो चलो यार, फिर देरी इस बात की, लेट्स गो भाई, चल निकल तेरी तो यहाँ से। अबे भाई साहब, ओ तेरी गोलियाँ चल गई, गोलियाँ चल गई भाई। भाई सब क्या होगा, खतरनाक बंदे। अरे भाई क्या कर रहा हूँ मैं, अरे गाड़ी फंसा ली यार, क्या कर रहा हूँ। नहीं भाई, ये गंद बंदा छुप रहा, बंदा छुप रहा, तेरी तो रुक जा। अबे सोफा, सोफा इतना खतरनाक कैसे हो सकता है यार, तेरी निकल यहाँ से भाई। अभी मेरे को कहीं जाना पड़ेगा यार, कहाँ जाऊँ, फंस गया मैं, फंस गया फंस गया फंस गया। ये ओके ओके, इसको तोड़ा दिया। बॉयस ऑफ कितने सारे बंदे हैं भाई, गोलियाँ चल रही हर जगह से। वेट सेकेंड, वेट सेकेंड, रुको 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 रुको। अबे भाई पिट गया, मैं पिट गया भाई, मेरी गन इसकी तो अभी बताता हूँ, रुक जा, तेरी गन निकलने दे। अभी गन ही नहीं आ रही हाथ में। ओके आरपीजी आ गई ना भाई, अभी गाड़ी लेके निकलो पहले। और भाई साहब देख रहे हो कैसी रिपेयर होगी पूरी गाड़ी। ओ तेरी भाई, बाहर निकलो पहले, तो बाहर निकलो। वो भाई अंदर क्या देखा था, गोलियाँ दो सेकंड के लिए भी नहीं रुक रही भाई, लगे हुए हैं पागलों की तरह। वेट ओके, इधर रखते हैं एंड एकदम आराम से कवर में रह के मारेंगे। लेट्स गो, ये ले तेरी, तो निकल यहाँ से बेटे, मेरे पे गोलियाँ चलाओगे, हम मेरी गाड़ी को तो लगने नहीं वाली। मस्त कवर है अपना। रुको भाई जरी, अभी है ना आरपीजी निकालते हैं, आरपीजी से काम चलाएंगे थोड़ा सा। ओ बेटे दी जॉन, भाई साहब इतने सारे लोग, पीछे चलो पीछे चलो। ये लो भाई, बूम भाई साहब, ये भी ले। और कितने है भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये भी लो तुम एंड ये भी लो। ओके सारे ख़त्म क्या, आई डोंट नो भाई, और भी हो सकते आगे। वैसे विलेज तो इनका बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ बड़ा है। ओके वो रहा, वो देखो कहाँ घूम रहा है वो, तेरी तो कहाँ जा रहा है, मर जा चल निकल यहाँ से। हाँ नहीं तो भाई लगे हुए हैं गोलियाँ चलाने इधर उधर से। अबे सही में डोंट टेल कि भाई ये लोग थे। अबे भाई अगर ये ही लोग थे तो भाई सही में भाई ये जो जनरल है ना, बहुत ही ज़्यादा लल्लू बंदा है, उससे यहाँ पर ये लोग नहीं उड़ाए गए भाई। यार क्या ही बात कर दी उसने। ओके लेकिन अभी मेरे को उनकी कार भी तो ढूंढनी है, जो कि यहाँ पर इन लोगों ने चुरा रखी है। आई डोंट नो वो इन्होंने कार कहाँ पे छुपा रखी होगी। और भाई चेक शर्ट, क्या हाल चाल है तेरे। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, मतलब निकलते नहीं है, गाड़ी लेके निकलते हैं। आई थिंक वहाँ पर वो जो शेड है ना, हो सकता है उसके अंदर इन्होंने कार छुपा के रखी हो, क्योंकि इतनी ह्यूज जगह तो मेरे को और कोई लग नहीं रही है। एंड वेट, यहाँ तो खाली है, फिर कहाँ छुपा दी इन्होंने कार भाई। इनके पास तो कोई जगह भी नहीं है छुपाने के लिए, पता नहीं कहाँ रख दी इन्होंने, कुछ भी तो जगह है ही नहीं यार, पूरा विलेज तो ओपन है, गाड़ी का रखेंगे फिर ये। आई डोंट नो यार, और ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, छुप के बैठे थे सारे के सारे। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, रुक जा किस, ये देखना तेरी तो, चल निकल यहाँ से, बाय बाय। वो भाई ये क्या है, कहीं ये तो वो वाली कार नहीं है भाई साहब। यार एक कुछ अलग ही खतरनाक सी कार लग रही है, इसका डिज़ाइन देखना। एंड भाई जैसी ये कार है ना, मुझे पक्का यकीन है भाई मिलिट्री बेस वाली होगी पक्का भाई, ऐसी कार तो मैंने आज तक नहीं देखी भाई सब। क्या ही खतरनाक बन रखी है यार, क्या ही शेप है, डिज़ाइन है, और पता नहीं इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी इन्होंने लगा रखी है। मुझे यहाँ पर लेकिन कुछ छेड़ना नहीं है, कोई भी पंगा हो गया ना हमें अंदर कर देगा वो जनरल। और मैं बैनी को आके बोलता हूँ कि मेरी गाड़ी उठा के ले जा भाई सब। बैनी का नंबर क्या था, कहाँ पर यार, एक तो बैनी मिलता नहीं है ना एक तो। ओके यस ये रहा, क्या नंबर था बैनी का, 11 ऐसी कुछ था ना। ओके चलो जी, बैनी को बोल दिया, वो थोड़ी देर में आके यहाँ पर से कार ले जाएगा एंड देन वो हमारे घर के ऊपर छोड़ देगा। बाकी मैं अभी ये कार लेके जाने वाला हूँ सीधा मिलिट्री बेस। जनरल तो भाई देख के खुश हो जाने वाला है, और हमारे ऊपर से भाई सारे के सारे हाथ से केसेस हट जाने वाले हैं, और भाई सब पैसे भी तगड़े मिलेंगे। चलो यार फिर जल्दी से चलते हैं मिलिट्री बेस, और बाकी आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर दो अभी। एंड हियर वी गो, पहुंच चुके हैं, और हमेशा की तरह तोड़ के जाएंगे। एक आधा ये नहीं कि बंदा दे के रख ले सैलरी, दे के उसको सैलरी दे के राजी नहीं है ये लोग। चलो यार कहाँ पर मिलने वाला वो अब, एक तो पता नहीं यार जनरल नहीं मिलता, एक जगह टिक के नहीं बैठता वो, पता नहीं दो मिनट पे गायब हो जाएगा। ओके हेलो ऑफिसर, हेलो जी, हेलो किवे हो भाई, अभी भी गन चला रहे मेरे ऊपर, गाड़ी लेकर आ गया हूँ देख लो। ओके भाई साहब ये ले जनरल तेरी कार, एकदम सही सलामत, आई होप सो है। और भाई ठीक है यार समझ गए ना, गन नीचे कर लो। ओके जनरल, और अपनी जैसी की बात हुई थी, सारे केसेस मेरे पे से हट जाने चाहिए एंड मेरे 5 करोड़ रुपए भाई।
किधर है वो? ओके, तो ये मिल चुके हैं हमें 5 करोड़ रुपए। आपको लग रहा होगा छोटी टैची है, लेकिन नहीं, ये है 5 करोड़ रुपए का चेक। तो इसको जल्दी से जाकर ना अपने बैंक में डाल देंगे। और अरे ठीक है ना, समझ गए भाई, गन ही लेके खड़े हैं वहीं पे तब के। और इन्होंने बोला था कि मैं यहाँ पर से कोई भी व्हीकल लेके जा सकता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ टैंक ही ले जाते हैं। चलो यार, आज से टैंक हो हाँ हमारा। तो ये हमें मिल चुका है एक स्पेशल व्हीकल, एंड हमारे पास आ चुके 5 करोड़ रुपए, जो कि हमने क्या किया, कुछ नहीं, एक छोटा सा मिशन है। यहाँ पर हमारी तो लॉटरी लग चुकी है। और अभी मैं सीधा चलता हूँ घर भाई, बहुत ज़्यादा ही आराम करेंगे बैठ के। तो चलो यार, फिर आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी आपको ये पसंद आई है तो इस वाली को लाइक ज़रूर से करके जाना, और कर दिया करो यार लाइक, कर दिया करो, सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं, दबा दिया करो बटन। और सब्सक्राइब तो ज़रूर से ही कर लेना, सिर्फ वो भी 2 सेकंड का ही बटन है। एंड मैं जल्दी मिलूंगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।